हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं न्यूट्रेला का बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने न्यूट्रेला एक कटोरी लिया है, जिसे मैंने पहले से ही भून करके उसे गर्म पानी में डाल दिया है। दो आलू मैंने उबले हुए लिए हैं, थोड़े से प्याज मैंने कट किए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और तेल मैंने, आप देख सकते हैं, तेल इधर मैंने गर्म कर लिए हैं। इस तरह से आप भी गर्म कर ले। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें आप प्याज जीरा थोड़ा सा डाल करके उसे और आलू डालकर अच्छे से उसे भूने गोल्डन कलर तक होने तक, और न्यूट्रेला को भी आप पानी से निचोड़ ले और उसे भी डाल करके अच्छे से थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे भूने। और उसके बाद में आप उसमें हल्दी पाउडर, चिली पाउडर डाले, थोड़े से सब्जी मसाले ऐड करना चाहे तो कर ले, और गरम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने भून कर रखा था वो इसमें ऐड करें। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से मिक्स करते रहे, ध्यान रखें मीडियम फ्लेम होना चाहिए, तेज फ्लेम ना करें, और इसे बराबर से भूनते रहे। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में इसे बच्चों को दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। इसमें आप सॉस, टोमेटो सॉस ऐड कर ले, जिससे इसका टेस्ट और चार चौगुना बढ़ जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगा। आधे चम्मच के लगभग आप इसमें नमक ऐड कर ले और इसे मिक्स करें अच्छे से। चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड करें, इससे और भी स्वाद टेस्टी हो जाएगा। और देख रहे हैं कितना अच्छा यम्मी लग रहा है। थैंक यू।